नमस्कार, मैं हूं मनोज वशिष्ठ और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द ग्राउंड न्यूज़। हम इस वक्त बस स्टैंड के बाहर मौजूद हैं। यहां एक अंडर पास का जो है शुभारंभ किया गया सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा, लेकिन बावजूद इसके यहां पे अगर आप जाम की स्थिति की बात करें तो यहां पर जाम की स्थिति लगातार बनी रहती है। यहाँ के दुकानदारों से हमने ज़रूर बात की, उनका साफ तौर पर कहना था कि जाम की स्थिति से बचने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन बावजूद इसके उन्हें अभी भी जाम की समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। यहाँ पर रॉन्ग साइड आने वाले लोगों की संख्या भी खासी अधिक है। आपको बता दें, अगर दिल्ली रोड से कोई बस स्टैंड आना चाहता है तो वो इस अंडरपास का प्रयोग कर सकता है। इससे पहले उसे पूरा महावीर चौक से घूम कर आना पड़ता था, लेकिन अब वो इस अंडरपास को यूज़ करके डायरेक्ट बस स्टैंड या फिर 12 सेक्टर या 5 सेक्टर या फिर रेलवे स्टेशन की तरफ जा सकता है। अब बात करें यहाँ की, तो ट्रैफिक अभी तो स्मूथ दिखाई दे रहा है, लेकिन जब पीक आवर्स होते हैं, यानी जब लोगों की छुट्टी का समय होता है, तो यहाँ पर अच्छी खासी भीड़ जमा हो जाती है, जिसके बाद यहाँ एक लंबा जाम लग जाता है। कई बार जो व्यक्ति हैं, जो लोग बस स्टैंड जाना चाहते हैं, वो घूम के वापस दिल्ली रोड पर पहुँच जाते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर एक साइन बोर्ड का होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही यहाँ के लोगों ने एक और शिकायत की, उनका साफ तौर पर कहना था कि रात को यहाँ पर नाइट पेट्रोलिंग, यानी पुलिस की तरफ से कोई पेट्रोलिंग की व्यवस्था नहीं है, जिससे सुरक्षा पर भी सवाल खड़े होते हैं। अब ऐसे में करोड़ों रुपए लगाकर बनाए गए इस अंडरपास को चालू तो ज़रूर कर दिया गया है, लेकिन लोगों की समस्याएँ लगातार बनी हुई हैं और जाम की समस्या भी लोग लगातार फेस कर रहे हैं, झेल रहे हैं। अब ऐसे में इन करोड़ों रुपये की परियोजनाओं से बनाए गए इस अंडरपास का क्या औचित्य है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा।